कराची जैसा हमारे लिए तो कोई और शहर है नहीं। लोग कहते इस्लामाबाद अच्छा है, लाहौर अच्छा है, हम कहते हैं कराची अच्छा। कराची के खाने बादराबाद, खारादर की फूड स्ट्रीट, हुसैनाबाद, हर जगह हम लोग गए हुए खाना खाने। कराची में हर इलाके का एक अपना टेस्ट है। आप बंस रोड चले जाओगे तो उनके आपको मटन कढ़ाई वगैरह अच्छी लगेगी। खारादर आप चले जाओगे, वहाँ के बन कबाब दाल वाले बड़े मशहूर है। हुसैनाबाद के फालूदा, गोला गंडा, वो वहाँ के बड़े फेमस है। कैंट स्टेशन लोग आएंगे तो उनको वड़ा पाव, पाव भाजी स्पेशल मिलेगा, जो बेहतरीन है, जो पूरे कराची में कहीं नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कविता है। मैंने ये फूड स्टॉल यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 महीने हुए लगाया हुआ है। मैंने स्टार्ट लिया था फ्रेंच फ्राइज से। आज मेरा जो बेस्ट सेलिंग आइटम है वो आप कह सकते हैं वड़ा पाव है, पाव भाजी है, जो मुंबई स्पेशल स्टाइल में हम लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। हमारा कोई इंडिया से कनेक्शन तो नहीं है। मेरे जो सेपरेशन के टाइम पे जो हमारे बड़े थे वो वहाँ के थे, उनको तो हमने देखा भी नहीं है कि कौन थे, कहाँ से थे। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे होती है, मेरी मम्मा है, सिस्टर है, मेरे पड़ोसी में से भी एक बच्चा मेरे साथ आता है काम कराने। हमारी ये जो फेमस दो फूड है ये हमारे घर पे ऑलरेडी वीकेंड्स वगैरह पे बनते हैं, तो रेसिपीज़ वगैरह हमारे घर से ही इसकी आई है। वो कोई नहीं है कि कहीं से ली हो कुछ हो, जो मसाले हम घर पे खाते थे डालते थे इनमें, वही यहाँ पे भी डाल के दे रहे। मैं खुद खाने की शौकीन हूँ तो रोज़ कहीं ना कहीं खाने जाना। ये डिशें यहाँ पे बहुत कम मिलती है तो बड़ा सेलेक्टिव रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती है, तो मैं चलो यार यही लगा लेते हैं। जो चीज़ मुश्किल हो उसको आसान कर देते कि हर इंसान उसको अफोर्ड भी कर सके और उसको मिल भी जाए। वर्किंग भी मेरी फ्रीलांसिंग में कर रही हूँ, काम अपना वो भी जारी चल रहा है और ये भी चल रहा है, पार्ट टाइम ये चल रहा है, फुल टाइम मेरी जॉब चल रही होती है। इसमें मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। बाकी जो ग्रॉसरीज वगैरह लेनी होती है वो पापा करते हैं हमारे, बाकी कुकिंग वगैरह हम घर पे मेरी सिस्टर इन लॉ है वो करती है, मम्मा है, और मैं उनको कटिंग में हेल्प कराती हूँ। यहाँ हम प्रॉपर मैं कुकिंग वगैरह देख रही हूँ तू उनकी। मुस्लिम्स में भी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं जो काम कर रहे हैं, और मैं भी जब बाहर जाती थी मैं देखती थी यार ये भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, तो कुछ शौक उनको देख के भी आया कि यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ, है तो पाकिस्तानी ना, वो करे कि मैं करूँ। हमारे पास हर इंसान आता है, जिनको खाने का शौक है, जो खाने के शौकीन है वो यहाँ पहुँच जाते हैं पूछ पूछ के। जो एक होता है ना ख्वाहिश, वो पूरी करके यहाँ से जाइए ना, बोले यार बड़ा महंगा छोड़ो नेक्स्ट टाइम खाएंगे। अर्निंग तो समझ ले कहीं से भी अच्छी बन जाए, मगर इंसान को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि यार उस बच्ची ने ये कार्ड लगाया, बड़ा अच्छा आइटम दे रही है। पैसा ही हर चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, एक इज्जत ज़्यादा होती है और एक पहचान होती है कि बंदा पहचान किस लफ्ज़ों में जा रहा है, अच्छे लफ्ज़ों में कि बुरे लफ्ज़ों में।